नमस्कार, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कम्युनिकेशन। टुडे आई एम अलेक सच्चिदानंद, स्टूडेंट ऑफ जेएमसी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू टेक द विजुअल्स फ्रॉम एनी कैमरा एंड पुट इट एनी मैक और एनी कंप्यूटर्स एंड हाउ वी कुड एडिट दैट कंटेंट एंड अरेंज द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। So meanwhile, I will take the memory card from this Canon 80D. Switch it. It should be switched on, off while you take it out. इस कैमरे में एक अच्छी खासियत यही है कि हम इसमें मेमोरी कार्ड को बाहर से निकाल सकते हैं, इवन ट्राइपॉड में लगाते हुए भी इसको लगा सकते हैं। कहीं कहीं कुछ मेरा जो मिररलेस कैमरा है वो नीचे से ट्राइपॉड से निकालना पड़ता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। अब अगर कोई कैमरा भी खरीदोगे तो दिस थिंग शुड कीप इन माइंड। यू कुड सी अनटाइटल्ड, यहाँ आप डेस्कटॉप में आपको मिलेगा। इसको जस्ट ओपन करना है, क्लिक करना है, प्रीव्यू आप कर सकते हो अपने विजुअल्स को एनलार्ज करके। हाँ, यहाँ मैक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ आप टैग दे सकते हो, कलर टैग दे सकते हो। सपोज वी हैव नंबर ऑफ विजुअल्स, ओके, आई थिंक ऑल आर फोटोग्राफ, एनी वीडियो इज देयर, हियर यू कुड सी MP4 इट मीन्स वीडियो एंड JPG इट मीन्स फोटोग्राफ्स। ओके, सो दैट सम ऑफ द वीडियो, सपोज कल का है क्या? So today we are going to talk about how to use FCP and how to capture visuals from any camera and how to manage the content. First of all, you have to take your memory card from your camera and put it in your Mac or any computer device. And here you could find an icon. Okay, on title icon, you could give title for this also. Okay, just double click. Then here you could find DCIM, and under this folder you could get all your visuals. You could press your long space bar, you could preview your content and left right key, you could preview all your photographs and visuals. Okay, what happened? ठीक है, कल इस विजुअल में कुछ गलतियां हैं, मैं बताऊंगा बाद में, बट हम आज की डिस्कशन यही है कि हम कैसे FCP को शुरू करेंगे। ओके, सो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, यहाँ से आप सिंपली जैसे हम विंडो में करते हैं सिलेक्ट करना है, रिव्यू देख सकते हो। ओके, आपको सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, यह आप ऐसे ड्रा करके ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो या इसको राइट क्लिक करके भी या कंट्रोल सी करके आप मूव कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो। हम इसमें एक फोल्डर बना देते हैं डॉक्यूमेंट में, अंडर डॉक्यूमेंट वी हैव a dedicated folder for today's class. So here all the footage with any content similar, I could skip this and it will take some time. Okay, meanwhile you could do one thing, let it copy it, हम अपने प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं। सो किसी भी एप्लीकेशन अगर आप लॉन्च करना चाहोगे, यू कुड यूज दिस लॉन्च पैड, ठीक है, नीचे आपको मिल जाएगा। और ये इसमें आप अपने कोई भी कंटेंट फाइंड फोल्डर कहीं कहाँ कुछ है उसको ढूंढने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सीरी जैसे क्रोम है, ऐसे हम इंटरनेट यहाँ मैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जानते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ये सारे तो है ही, ठीक है। चलो लॉन्च पैड में चलते हैं,
लंच पॉइंट की कॉन्सेप्ट ये कि जैसे कि कोई मिसाइल लॉन्च होता है, वी नीड ए प्लेटफॉर्म वेयर यू कुड गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स फैसिलिटी. ओके, हियर यू हैव ऑल दिस सॉफ्टवेयर्स, सो लेट्स ट्राई फाइनल कट प्रो. इट इज वन ऑफ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एप्लीकेशन. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थित. ओके, यू कुड प्रीफर योर रिलीजन. सो इट्स अ गुड वन सर. फाइनल वन. हां सर, दैट्स अ फाइनल वन सर. दैट्स गुड. नहीं तो यू हैव टेकन सो मेनी. हां, यस वी ट्राइड बिकॉज़ देयर आर सो मच डिस्टर्बेंस. क्योंकि लोकेशन में ओके, व्हेन वी टेक एनी पीटीसी वी हैव टू वी शुड टेक ए पीटीसी वेयर यू कुड शो योर बैकग्राउंड. What is going on? So therefore, I want to place myself, but placement of the character should be at the that left or right. Okay. So while we have some problem here, friends should be at that this position. Okay. तो इसलिए शायद मैंने दो तीन टेक भी हमने लिए हैं. सम प्रॉब्लम है. टेन शुड बी एट दैट पोजीशन. दिस काइंड ऑफ शॉट्स वी कुड कॉल इट बी रोल. इसलिए शायद मैंने दो तीन बी रोल बी रोल बी रोल इट मींस सपोर्टेड बीच रोल. व्हेनेवर यू आर इन पोजीशन इट इज लाइक यू शुड टेक सपोर्टेड बीच रोल. मेन विजुअल्स तो होते हैं जो किसी का बाइट हम ले लिया कुछ ये हम आसपास की चीजों को हम सपोर्टेड विजुअल या बॉडी रोल बोलते हैं. ये बहुत ही जरूरी है जो किसी का बाइट में ले लिया थोड़ा सा ये हम आसपास की इंटरेस्ट. हमारा एफसीपी खुल गया है. सो एफसीपी या किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कुछ चीज आप पाओगे, जैसे कि आपका ये हो गया टाइमलाइन. ठीक है, नीचे ओके. आपने एक प्रोजेक्ट पुराने प्रोजेक्ट आपने एडिट करने की कोशिश किए थे हम लोग. ठीक है, सो इट्स ए स्मॉल लव मूवी. ओके, सो एज योर रिक्वेस्ट लेट डिलीट एवरीथिंग. ओके सर, हाउ वी सेलेक्टेड ऑल? कंट्रोल ए. नो, हियर इन मैक वी हैव टू कमांड ए. कमांड ए सर. ओके, so let's import some visuals what we need to edit. So this is a preview window, means where you could preview what we are going to do. Okay, and here you have to select the sources. Okay, is it visible? So ye hai video source. This one is for your sound. In Mac you could find some pre sounds are there. Okay, also you could sound effects will be there. And you have to listen all the sound effects so that whenever you need, you could choose the right sound effect. Yes. It's another important thing you should notice. आपको website में हर जगह आपको थोड़ा सा sound को सुनना चाहिए. Because sound is so important for any video production. Okay, here you could play this thing. These are Creative Commons sounds are there. And free, all these are free. You could use them. Okay, so from source window you could place any content to your, this is the timeline area. Okay, ये पूरा area timeline से ये preview window है और यहाँ source आपका हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ से आप सिर्फ drag and drop कर सकते हो. ठीक है, यहाँ drag करो जिसको आप चाहिए. ठीक है, and if you play एक्चुअली इस लाइट की वजह से इसमें रिकॉर्डिंग जो हो रही है, स्क्रीन कैप्चर भी कर रहे हैं. नॉट आई स्क्रीन में लाइट कर इतने भी हो रहा है. सो उसको बंद कर दूंगा सर. तो ये चेक ये है हमारा सोर्स विंडो है जहां पर हम सारे चीज को रख सकते हैं, जैसे फोटोग्राफ्स और यहां आप ईयर वाइज भी चीजों को रख सकते हो. ओके, सो लेट्स टेक सम विजुअल्स जो हमने अभी इंपोर्ट कर सकते हैं यहां पर. सो हियर we have our visual in our, so here also if you want to preview which one you need to import, let's click over any content. By say niche niche ja download
से डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस डॉक्यूमेंट यू वुड हैव सम फोल्डर्स सो टुडे वी हैव क्रिएटेड आई थिंक दिस सर Yes, this is okay. So here also, if you want to preview which one you need to import, let's click over any content. वैसे नीचे नीचे जाके आप preview कर सकते हो, ठीक है? तो पहले suppose you want to okay, let's take one visuals. इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं. ये कुछ विजुअल्स है जो कि आर्किटेक्चर्स को दिखाता है. इसको लेते हैं. अब ऐसे मल्टीपल विजुअल्स यू कुड सेलेक्ट. ओके, इफ यू प्रेस कमांड, हाँ, इफ यू प्रेस द कमांड देन यू कुड सेलेक्ट. ओके, और कंट्रोल इन विंडो देन इंपोर्ट सिलेक्टेड फाइल्स. Immediately it get imported. Here you could find. Yes, sir. And okay. So as natural, you could drag it, and you could place this thing in timeline. Okay. And you could play it. ठीक है. तो हम sound effect को कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले तो हमें इसका टाइटल देना चाहिए, राइट? तो हियर यू कुड फाइंड सम टेक्स्ट एलिमेंट्स. ओके, देयर आर सम टेम्पलेट, प्री एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स आर देयर. यू कुड चूज एंड यू कुड प्ले देम. सपोज आई लाइक टू ऐड दिस टेक्स्ट टेम्पलेट एंड सिंपली प्ले वेदर Is it okay for your film? You could mention your title here. You could change its color. Everything you could do. Okay, इसमें से you could get credit. Credit means if you want to give any yes, credit sir. To you, any actors, producer, director, different type of credit you could get here. And simply drag it and place it. Basically. We used to add credit at the end of any program. Okay, descriptions. And simply, if you double click here, you could edit their names. Okay, suppose you could mention here Anna. Okay, so it will appear automatically. You could change descriptions also. Okay, so all these elements, all these titles, different kind of title you could get. सपोज हम कौन सा लेंगे, इसमें और इसको लेते हैं, इसी को ही टाइटल से शुरू करते हैं. विजुअल को इफ यू वांट टू डिलीट जस्ट सिलेक्ट दिस थिंग एंड प्रेस डिलीट इन योर कीबोर्ड. ओके, सो दिस इज आवर टाइटल. Could suppose this plate okay, suppose you are here, you want to add title. Suppose you could mention here DJMC class. Okay, then we could add more title. Okay, we could add subtitle. We could say radio and television class. Okay, so to preview, just press backspace. Okay, so our title is ready. So then import visuals. हम कुछ तीन visuals को import करते हैं. अब directly you could select multiple visuals, multiple footage.
और ओके सो व्हाइल व्हेन यू डू एडिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट एनी एस्टेब्लिशमेंट शॉट सो ऑल दिस थ्री शॉट आर क्लोज शॉट्स सो लेट्स टेक अगेन import some visuals which could establish our story. Okay, under document we have folder, so let's select some establishment visual. This is fine, I think. So there is one more visual in which we are showing from top to bottom. Okay, so let's select. We have some GoPro visual also. Okay, it's okay for testing only. Okay, so let's import this one. This get imported. Delete unnecessary visuals. Select and delete. अब इसमें टाइम डाल सकते हैं। एक काम करना, इसको थोड़ा सा ढीला रखो, इसको। ओके। फ्रेम आउट ऑफ फ्रेम में लाएगे ना, मेरे को यहीं से। सेवन वी कैन डिटेच योर ऑडियो। थोड़ा सा हल्का। इसमें हम हाँ, यहाँ आप देख सकते हो, इसको लो ऑडियो को कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये अननेसेसरी है, हम इसको कम करेंगे और इसमें हम कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डाल देते हैं, साउंड तरीके से हटा नहीं सकते, हटा ये सकते। हटा तो दिया ना, मिनिमाइज कर दिया, मीन्स हटा दिया, मतलब सुनाई नहीं देगा, ठीक है? सर, सर, एक मिनट, सॉरी, मैं रोकना चाहूँगा सर, बच्चों का सेशन। सो आवर टाइटल इज रेडी, यू कुड चूज एनी टेम्पलेट हियर, ठीक है ना? यू कुड ऐड इंफॉर्मेशन, इट्स अनदर इंटरेस्टिंग, लेट्स प्ले इट, हाउ इट्स लुक्स लाइक। ओके, यू कुड ऐड एनी नेम ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इफ यू वांट। ओके, चूज ऑल दिस टेम्पलेट। ओके, सो वी हैव सिलेक्टेड वन विजुअल्स एंड वी डोंट लाइक इट्स ऑडियो, देयरफॉर इट्स वी जस्ट down this volume of this audio. It means completely you can't see, you can't heard anything. And we add some music. So, here you could see in the upper section of timeline, you could find, you could add visuals. And at the lower end, you could add audio. Any number of audio, any number of video you could add. Okay, here there are so many क्रिएटिव कॉमन्स ऑडियोज आर देयर, यू कुड इम्पोर्ट ऑल्सो। जैसे कि हमने विजुअल्स को इम्पोर्ट किया, वैसे ही ऑडियो को आप इम्पोर्ट कर सकते हो। आप वॉइस ओवर दे के भी हम इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे कोई ऑडियो को प्ले करो, और यहाँ अगर दो ऑडियो डालना चाहोगे तो यू कुड ऐड अनदर लेयर। सो इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन का लेयर्स। ओके, जैसे ऑनियन का लेयर होते हैं इन अडोबी फोटोशॉप, इन डिजाइन, ऑल दिस सॉफ्टवेयर यू कुड फाइंड डिफरेंट लेयर्स। ओके, यू हैव टू use this layer so that एक के ऊपर दूसरे हम डाल सकते हैं और इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, here you could find selection tools, there are so many selection tools are there. Here if you press A only, it automatically gets selected the selection tool. If you press T, we could select trim. If you want to position any content, okay, suppose P, we could position this thing left, right, you could drag. Okay, so we learn how to add audio, clear? Yes, unnecessary, you could increase or decrease level of audio, ठीक है? तो हमने टाइटल ले लिया और ओके, सो if you click over any content, suppose here we have a visual, here you could find detail about this visuals, you could decrease its opacity. Okay, if you want to place something behind the scene, you could decrease its opacity. It should record it, na? Huh. Okay, another problem, sabhi ko dikhai de raha hai screen? Am I audible? Yes, sir. अच्छा, ठीक, ओके, सो ओके, सो ये है प्रीव्यू हम कर रहे हैं, यहाँ भी हम प्ले करके देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ ड्यूरेशन आपको दिखाई देगा, ठीक।
ठीक है। यहाँ अगर विजुअल्स को आप क्रॉप करना चाहते हो, सिर्फ मैं चाहूँगा कि मंदिर के कुछ पार्ट ही दिखाई दे, तो यू रिकॉर्ड सिलेक्ट द क्रॉप टूल। ओके, इसको बस आप ड्रैग अंदर तक कर सकते हो, ठीक है। आप जितने पोर्शन दिखाना चाहते हो सब कुछ मेरे को चाहिए। मेरे को लगा कि थोड़ा सा नीचे जो है ये अननेसेसरी है, ड्रैग करो, ठीक है। सपोज मेरे को ये चाहिए, किया क्रॉप, तो एंटर सिलेक्ट दिस, देन यू हैव टू प्रेस द डन। ओके, ये हो गया है। हमें पर इसको रिसाइज भी करना पड़ेगा ताकि फ्रेम में कोई ब्लैक फ्रेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम अगर कोई एक गलती हमारा कभी कभी होता है जब एडिट करते हैं तो ब्लैक फ्रेम आ जाता है। व्हेन वी ऐड टू डिफरेंट विजुअल्स, लेट्स ऐड अनदर विजुअल। ओके, हमें एस्टेब्लिशमेंट हो गया, हम कुछ अंदर के शॉट उसके बाद दे सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑडियो कुछ ऐसे खराब नहीं है, आओ जी बुला रहे हैं उनको। हाँ, और एक चीज़ यहाँ हम कर सकते हैं, यहाँ पर इसका जो शुरू कोई भी विजुअल्स हम देते हैं तो उसका बिगनिंग ऑडियो स्लो से हम मूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ और एक चीज़ हम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं अगर कुछ चीज़ डिटेल काम करना है। यहाँ पर जस्ट यू रिकॉर्ड सिलेक्ट जूम और शॉर्टकट शॉर्ट जेड प्रेस जेड। सपोज इफ यू वांट टू इनिशिएट समथिंग, तो ठीक है। तो ये हम शुरुआत में हमने क्या किया, देखो जूम अगर है तो आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल, ठीक है। यहाँ पर ये जो की पॉइंट है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो ये जब लेफ्ट राइट शो करेगा तभी जाकर इसको ड्रा कर सकते हो लेफ्ट राइट, ठीक है सर। ये ऑडियो के लिए? हाँ, ऑडियो के लिए। ओके सर, ये यू कुड सी वन लेफ्ट राइट सिग्नल्स। ओके, सो यू कुड ड्रा द key points. So what will be the result, sir? At the beginning we could find the volume is simultaneously increase. Okay. Otherwise we will feel a jerk. Okay. If some instantly if you find anything louder, ये आप कर सकते हो end में और शुरुआत में, ठीक है। End में भी हम कर सकते हैं, धीरे धीरे ये audio कम होता जाएगा, बंद हो गया। And it add it's add value to your transitions. Transition we have already discussed what is sort. Sort for a visual editor is from one transition to another transition, we could call it sort. So here you could find when two different sort get connected, so you could call this transition point. Clear? Yes. ओके, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ हियर यू कुड फाइंड द ऑडियो लेवल ऑल्सो। ओके, इफ योर ऑडियो टचिंग टू रेड साइन इट मीन्स इट्स क्लिपिंग द ऑडियो, मीन्स इट शुड बी डिक्रीज। ये आपको कान में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो आपका ऑडियो रेड साइन में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रीन में रहना चाहिए। ओके, सो वी कुड टेक सम अदर बाइट्स। हमने विजुअल्स हो गया, वी कुड ऐड वॉइस ओवर। ओके, इसके नीचे भी आप कुछ अगर वॉइस ओवर पहले से किए होंगे, जिसमें हमारे स्टूडेंट कुछ प्रैक्टिकल काम किए हैं, सपोज कम्युनिटी रेडियो का टॉक है, मैं रेंडमली इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। सपोज विजुअल के साथ हम कुछ ऑडियो डालना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू 92.5।
हाँ, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपके विजुअल्स में जो वॉइस है दैट शुड बी लाउडर देन दैट ऑफ बैकग्राउंड वॉइस, बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा धीमा होना चाहिए अगर कोई बोलता है. सपोज लेट्स टेक ए साउंड बाइट, साउंड बाइट लेते हैं, इम्पोर्ट करते हैं साउंड बाइट. इम्पोर्ट करने के मेथड मैकेनिज्म सेम ही है. सिलेक्ट ए साउंड बाइट, नमस्कार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है, सपोज लेट्स इंपोर्ट दिस. ओके, हो गया इंपोर्ट. तो इसको मैं जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक है. ठीक है, सो लेते हैं ये साउंड बाइट, इसको हम हाँ. तो देखो शुरुआत में कुछ अननेसेसरी पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम कट कर सकते हैं. हमने जूम बहुत ज्यादा कर लिए हैं. जूम का शॉर्टकट क्या है? जेड. जेड इसको थोड़ा याद रखोगे आप क्विकली काम कर सकते हो. ठीक है, प्रेस मैंने जेड किया तो जूम का ऑप्शन आ गया. तो जूम आउट करने के लिए जेड माइनस कमांड जेड माइनस बटन. ताकि जो भी एब्सेंट है वैसे भी सर रिकॉल के लिए सही रहेगा. ओके, कंसेंट्रेट ऑन द क्लास. ओके, सो हम ऑप्शन की को प्रेस अगर करेंगे विल गेट माइनस जूम. ओके, ऑप्शन. सो आई कुड जूम आउट. तो हम ये सेकंड पार्ट में देन व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन की ए. सो लेट्स प्रेस ए. ओके, हम इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा हम दिखा दिया क्या एस्टेब्लिशमेंट शॉट दिखा दिया. तो हम अंदर की कुछ गेस्ट के बारे में दिखा दिया. इतना लंबा एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, हम थोड़ा सा उसको कम कर दिया. नाउ यू कुड टेक ए पीटीसी. ओके, सो पीटीसी सेलेक्ट करते हैं, इसको ड्रा करके ड्रॉप करते हैं. सो हाउ मच वी नीड, सो For a reporter, it's important to identify what person we need to add in our story. वो जब रिपोर्टिंग करने जाएगा बहुत कुछ चीज़ बोलेगा. Yes. तो आपको वही चीज़ चाहिए आपके स्टोरी के साथ जो मैच करता हो. ओके, ठीक है ना. अनदर इम्पोर्टेंट टर्म वी आर यूजिंग दैट मनी शॉट. द फर्स्ट विजुअल शुड बी द बेस्ट वन. ओके, यू विल कॉल इट मनी शॉट. मनी शॉट मीन्स इट हेल्प अस टू अर्न मनी. मनी, यस. सो मोस्ट प्राइमरी विजुअल यू शुड ऐड at the first position. In the second visual, we add some ambience. It's essential. It add value to your story. Namaskar. ठीक है, so हम परिचय की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसमें हमका इस मंदिर में मैं ऑडियो बहुत सुंदर आया है इसमें. Okay, so now we have to trim. We have two options. We could trim it or we could position like this. Okay, हम यहाँ ऐसे draw करके trim कर सकते हैं. Yes. ठीक है. Also we could use the blade. Shortcut for blade. Command B. B only B. B okay. ठीक है. If I want to cut it here, simply cut like this. Then again select key, select the visuals and press delete. इस मंदिर में मैं कई सालों से आ रहा हूं और ये मंदिर आदरणीय महावीर जी जोशी. ओके, सो हो गया आपका. सपोज मेरे को इतना ही चाहिए.
another thing we should remember that when you take any byte, it should be completed. Yes, it should not be half. कुछ आधा अधूरा नहीं होना चाहिए. यहाँ देखो आधा लग रहा है हमें, है ना. उन्होंने अपने पूरे योगदान से, साथियों के योगदान से इस मंदिर का पूरा भव्य निर्माण कई करोड़ों रुपए लगा करके किया है. बस यू कुड टेक लाइक दिस. ये आधा कहीं काटना नहीं चाहिए. कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए व्हेन यू ड्रीम द विजुअल्स. अब यहाँ इतना ही कर दिया. फाइन, देन सेलेक्ट अगेन, देन डिलीट अननेसेसरी पार्ट. ओके ओके, सो लेट्स प्रीव्यू अगेन. इस मंदिर में मैं कई सालों से आ रहा हूं और ये मंदिर आदरणीय महावीर जी जोशी. ओके, सो हमारा जरूरत ये है कि हम देखो, हम किसी के बाइट ले रहे हैं तो बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है. yes, हमें इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं, हमें क्रॉप करना है जितना चाहिए. सपोज बैकग्राउंड ब्लर आप रिकॉर्डिंग के टाइम कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई गलती आपने कर दिया तो एक उट प्रेस कमांड जेड. ओके, तो हमारा फिर वही पुराने पोजीशन में आ गया. अपने पूरे योगदान से, साथियों के योगदान से इस मंदिर का पूरा भव्य निर्माण कई करोड़ों रुपए लगा करके किया है. ओके, सो हम अब क्या कर सकते हैं, उनका उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो इसमें हमें क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए. नॉट क्रेडिट, लोअर थर्ड. ओके, यू कुड चूज एनी लोअर थर्ड. तो यू जस्ट ड्रैग इट अगेन, इट्स कॉल्ड तेजपाल. चेंज इट्स, यू कुड चेंज नेम ऑफ द पर्सन, एनीथिंग वी कुड ऐड, एक्स वाई जेड एंड डिस्क्रिप्शंस अबाउट देयर डेजिग्नेशंस. यस. ओके, सो निर्माण कई करोड़ों रुपए लगा करके किया है. उसके बाद हम क्लोजिंग क्रेडिट हम दे सकते हैं अंत में. क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट. ठीक है, जैसे कुछ सिनेमा में होता है, क्रेडिट डिफरेंट तरीके की है. ओके सर, हम टाइटल में चेंज करना चाहेंगे टाइटल को. सपोज क्लास वन एंड नेम में दे सकते हो कौन कौन पार्टिसिपेट आज की क्लास में किए हैं. ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में. ठीक है ना, उसमें तो फिल्म में तो ऐसे आते हैं एक्टर एक्ट्रेस. हाँ, जो क्या नाम, जो भी आप यहाँ किसका डायरेक्टर किसका डीओपी, यहाँ पर नेम में डायरेक्शन सारे चीज लिखोगे. ठीक है, और इसको प्रेजेंट करने के लिए कई वो होंगे ना सर, जैसे कई तरीके से आता है एक. हाँ, इसमें वैरायटी आपको मिल जाएंगे. इसमें भी आप थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हो लेफ्ट राइट. ये सर, जैसे आप लिया है, जैसे आपने तो जैसे सीधा ये मतलब इतना ही बाइट है क्या, मतलब सुरेंद्र कौशिक जी से इस शुरुआत में सवाल पूछे जा रहे हैं, या फिर मिश्रा जी ने जैसे नमस्कार हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है महेंद्रगढ़ के पूर्व जिला प्रमुख श्री सुरेंद्र कौशिक, आइए उनसे जानते हैं. हाँ, उसको ले सकते, देखो सिचुएशन के. हाँ, सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं, स्टोरी के हिसाब से. जैसे सर अभी वाइस चांसलर सर का लिया था इंटरव्यू, वो दूरदर्शन से आए थे, तो वो जो भी थे उन्होंने पहले सबसे पहले कुछ बताते हैं भूमिका, एक इंट्रोडक्शन सर, उसके बाद फिर सवाल जवाब होता है जो भी है. और उससे फिर वो ये दिखा देंगे कि हाँ भाई हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो से कलेक्ट किया, वो इनको जो पेमेंट देनी है वो पेड कर देंगे. इस तरीके से भी करते हैं सर सारे न्यूज वाले. राइट, देखो हमारे स्टोरी के हिसाब से, सपोज कम्प्लीटली इंटरव्यू इटसेल्फ इज अ स्टोरी, इटसेल्फ इज अ प्रोग्राम, देन आइए सब नमस्ते सब कहेंगे. इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूज बुलेटिन, सो सिंपली यू कुड ऐड सिंपली साउंड बाइट. ओके, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, वी कुड ऐड लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन. इफ इट इज अ स्पेशल प्रोग्राम, वी कुड गिव मोर प्रायोरिटी टू आवर गेस्ट. इस तरीके के प्रोग्राम सर कई बार जैसे क्या होते हैं, कोई फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, आज तक को बाइट देनी है,
और आज तक का रिपोर्टर वहां पहुंच नहीं सकता किसी कारणवश, तो मिश्रा जी से संपर्क कर लेगा, मिश्रा जी ने इस तरीके से दे देगा इनका वो, मतलब वो भी नहीं आएगा और उससे तो वो ये दिखा देंगे कि हाँ भाई हमारी एक्सक्लूसिव खबर है, हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो से कलेक्ट किया, वो इनको जो पेमेंट देंगे वो पेड कर देंगे, इस तरीके से करते हैं सर सारे मीडिया। राइट, ये मैं बात करने था ना सर, हाँ, जैसे कोई दूसरी खबर थी जैसे वाव का रिपोर्टर नहीं पहुंच पाता तो वो ले ली उनसे खबर ले ली, उसको पेमेंट कर दिया लेकिन आपका नाम नाम है तो फिर देखो नाम के साथ हाँ, इसको बोलते हैं फ्रीलांसर को कह सकते हैं, स्ट्रिंजर भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल चैनल के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको कम्प्लीटली पेड नहीं होता है, आपके स्टोरी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है, ठीक है, आप डिफरेंट चैनल उसमें आपने देखे होंगे एक रिपोर्टर के पास 10 बूम होता है हर चैनल का और सभी का विजुअल लेके सभी को अलग अलग भेज देता है, ठीक है ना, हम इसको बस टेस्ट कर रहे हैं कैसे हम एडिटिंग करेंगे, राइट, आपने पूरे अब तक का कोई डाउट है आप लोगों का? अब सपोज देखो एक छोटा सा कोई वीडियो आप बनाते हो, कैप्चर किया उसको अपने फोल्डर में रखा, इसको टाइमलाइन में चीजों को लाया, ऑडियो दिया, म्यूजिक दिया, क्रेडिट दिया, एंड उसका क्लोज किया, और नाउ वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस थिंग, सो टू एक्सपोर्ट ऑल दिस थिंग सिलेक्ट द पर्सन यू वांट टू एक्सपोर्ट। सर एक चीज सर, मतलब आपने अभी नहीं बताया पर इसको सर जैसे जूम करना है हमको इस वीडियो में अचानक से, इनको एकदम जूम करके फिर वापस आना है, इसमें क्या ऑप्शन होता है सर? हम इसमें कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं सर, वही इफेक्ट क्या होता है जैसे की फ्रेम इसको बोलते हैं, हाँ मतलब इसमें जैसे कि हमने इसको भी की बोलते हैं ऑडियो को, मतलब कहाँ से कहाँ तक लिया, तो इसमें भी हम की हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे की फ्रेम करेंगे, उसमें की फ्रेम ऐसे होता है कि एक फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे उसी पॉइंट में हम इसको कुछ ना कुछ इफेक्ट दे सकते हैं, या जूम कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते, इसमें इसमें ओपेसिटी हम इसी फ्रेम के यहाँ पर हमको ओपेसिटी चेंज करना हो तो कोई किसी भी इफेक्ट दे सकते हैं, इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको हम जैसे फ्रेम को भी मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। जोशी उन्होंने अपने पूरे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह यहाँ पर हम चीजों को डाल सकते हैं, कलर रिसेट करेंगे, ठीक है ना, इसमें क्रोमा कैसे भी यहाँ पर भी हमें क्रोमा की सब चीजों को आप मिलेंगे, ठीक है। तो आज हुआ कि हमने कैसे एडिट करेंगे और बेसिक टूल्स जो है, ट्रिम हो गया, पोजीशंस हो गया, रेंज सिलेक्शन, हम कुछ पोर्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, हैंड में हम एंटायर विजुअल्स को हम ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट कर लिया जितने पोर्शन आपने सिलेक्ट करने कंट्रोल है, देन हियर यू कुड एक्सपोर्ट, ओके, सो यू कुड सिलेक्ट एनी फॉर्मेट, सो हमें मास्टर फाइल डिफॉल्ट, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सेटिंग आपके देख सकते हो, आपके वीडियो के साथ करके देख सकते हो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया, फुल एचडी में हम इसको एक्सपोर्ट कर, नहीं ओनली एचडी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1920x720, ठीक है, सेटिंग में जाके चीजों को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, इसको 1920x1080 क्योंकि हमने विजुअल कैप्चर किया है फुल एचडी में, बेटर इट शुड कैप्चर इन फुल एचडी। अनदर थिंग वी कुड नोटिस हियर 25 फ्रेम पर सेकंड, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस फ्रेम रेट, विजुअल्स में हम ज्यादातर इंडिया में 25 लेते हैं, और कोई चीजों को हमें स्लो मोशन में करना है तो उसको हम शूट करना है 50 या 60, इस तरह कुछ हाई फ्रेम रेट में हम सिलेक्ट करेंगे, देन वी कुड रिड्यूस टू 25 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, जितना फ्रेम रेट बढ़ेगा उतना स्लो होगा वो। देखो कोई भी मूवी अगर 60 फ्रेम पर सेकंड में हमने शूट किया, उसको हमने कन्वर्ट किया 25 फ्रेम पर सेकंड तो स्लो हो जाएगा, ठीक है ना, अगर किसी को फास्ट करना है 25 में शूट करो, उसको फ्रेम रेट बढ़ा दो तो फास्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। और एनकोडिंग वीडियो किस में आप डिकोड करोगे, कहाँ सेव करना है कंप्यूटर में, और यहाँ पर आप FH264 दिस वन फॉर MP4 जो कि आप आसान से अपलोड कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो, अदर फॉर्मेट भी है, so it is ideal for us, then
You could see here how much the size of the file. Yes. It is the format of the file is MP4. ठीक है ना, ऑडियो में MP3 और इसमें MP4. MP4 में और एक चीज है कि ये ज्यादा बाद में ज्यादा एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, मतलब ये फाइनल आप मान के चलो. देन प्रेस नेक्स्ट, देन यू कुड सिलेक्ट द पोजीशन लोकेशन. हाँ, जैसे हम कई बार फोन में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं फिर उसको कंप्रेस कर देते हैं उसके बाद जैसे हम फोन में शेयर करना चाह रहे हैं या फिर कहीं भी शेयर करना चाह रहे हैं तो वो 4K तो बहुत टाइम लेता है उसको शेयर करने में, नहीं हो पाएगा. पर हम चाहते हैं उसी वही क्वालिटी भी रहे और वो भी रहे. देखो तो कंप्रेस जब भी करेंगे इट्स नेचुरल, उसका पिक्चर क्वालिटी कम होगा, ठीक है ना. पर कुछ कंप्रेशन के कुछ तरीके हैं, इतना ज्यादा कम नहीं हो वो चीज हम कर सकते हैं. पर जब कभी भी हम डाउन करते हैं तो क्वालिटी तो चेंज होती है. क्योंकि देखो हम कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अपलोड करते हैं वो अपने उसको डिकोड करता है, दोबारा प्रोसेसिंग करता है, उसमें अपने हिसाब से वो अपने आप को सेट करता है. व्हाट्सएप में कोई भी फोटो अगर सेंड करोगे तो डेफिनेटली उसका वैल्यू कम हो जाए, हो ही जाए ऑटोमेटिकली. तो कई ऐसे कहते हैं जैसे कि शेयरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एक्स जेंडर हुआ या शेयर इट हुआ, तो उनसे कुछ ऐसा पड़ता है कि हाँ बिना उससे चीज जाएगी. देखो जरूरी नहीं है वो किस तरह की डिकोडिंग फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. जैसे कि ड्राइव में क्वालिटी थोड़ा बेटर होता है. सर ये जो वीडियो सॉफ्टवेयर है इंडस्ट्री में, दो बेसिकली अभी दोनों की मैं बात करता हूँ. इसकी FCP हो गया Adobe, हाँ ये हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक प्रीमियर प्रो, दो एडवांस है. प्रीमियर प्रो, प्रीमियर Adobe प्रीमियर प्रो, ये दो इंडस्ट्री लीडिंग. लगभग एक जैसा है. एक हाँ, किसी एक में अगर आपका कमांड आ गया तो आप किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं. थोड़ा सा ऐसा फाइल में कोई चेंजेस ना, उसके लिए हम तो ड्राइव लिंक शेयर करते हैं ना मोस्ट ऑफ टाइम, कि कंप्लीटली जैसी फाइल आ जाती है शेयर हो अगले पर्सन के पास. ड्राइव को हम इस्तेमाल करते हैं. And one more thing, sir, जैसे सुरेंद्र सर ने वीडियो बोला था मेरे असाइनमेंट के लिए बनाने के लिए, सो उन्होंने दो दो वीडियोस बोले अपने दो सब्जेक्ट से सर के पास, तो सर आपने दो वीडियो बनाने हैं, कितने वीडियो बनाने हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए? मैं बताऊंगा, मैं इन्फॉर्म करूंगा. सर टॉपिक आप खुद देंगे और हमें चूज करना है सर? सुरेंद्र सर कंप्लीट दिस क्लास. ओके 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 सर, देन वी विल डिस्कस अदर थिंग्स. सो नाउ वी कुड एक्सपोर्ट दिस. ओके सो सिलेक्ट, you could again you could give another name to yes, your sir. program, and you could select desktop or document anywhere there you could. Have to save. Okay, then save. Then it will take some time, so we can check. Yeah, here you could check. If you click here it is 0%. Okay, तो आप हमने जहाँ सेव किया वहाँ हम देख सकते हैं. तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरह के विजुअल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, टाइमलाइन में डाल सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, बेसिक टूल्स क्या है. इसमें आप कोई भी वीडियो एक बना सकते हैं. ओके इसमें आपका क्रिएटिविटी है, कौन से विजुअल को आगे डालना है, कौन से पीछे डालना है, कितने अच्छे विजुअल्स वॉइस ओवर देना है. और नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे ऑडासिटी में कैसे वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग की जाती है. ओके दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Thank you so much.